दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री के दो टैलेंटेड कलाकार हैं गुरमीत चौधरी और शरद मल्होत्रा। जहां अभिनेता गुरमीत चौधरी ने पुनर्विवाह सीरियल में यश बनकर लोगों का दिल जीता, तो वहीं शरद मल्होत्रा कसम तेरे प्यार के सीरियल में ऋषि के जबरदस्त किरदार से दर्शकों से खूब तारीफें बटोरते नजर आए थे और अब नागिन 5 में वीर चील की भूमिका निभाकर दर्शकों के फेवरेट भी बन चुके हैं। यूं तो दोस्तों, ये दोनों ही ब्रिलियंट अभिनेता हैं जिन्होंने अपने अलग अलग किरदार से लोगों का दिल जीता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है और दर्शक किसके सबसे ज्यादा फैन है और किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल चल रहे हैं तो आपको भी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनकी नेटवर्थ और फैन फॉलोइंग को एक दूसरे से कंपेयर करके इनके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए जानने के लिए, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप इन दोनों जबरदस्त अभिनेताओं के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं अभिनेता गुरमीत चौधरी से, जिन्होंने पुनर्विवाह, गीत, हुई सबसे पराई जैसे सीरियल्स के साथ साथ वजह तुम हो और खामोशियां जैसी फिल्म्स में सबका एंटरटेनमेंट भी किया है। इसलिए तो आज ये अपनी मेहनत और मशक्कत के बदौलत पूरे 8 करोड़ रुपए के इकलौते मालिक हो गए हैं और इसी कमाई की बदौलत ये न सिर्फ आलिशान बंगले के मालिक हैं बल्कि काफ़ी आलिशान लाइफ भी स्पेंड करते हैं, जिनमें इनकी लाइफ में ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये जीन्स, टी शर्ट, फॉर्मल ड्रेसेस में ज़्यादातर नजर आते हैं, जिनमें इनके एक मामूली से टी शर्ट की कीमत भी 35,000 रुपये तक की होती है। वहीं कपड़ों के साथ साथ इनके पास ड्रेसिंग से मैचिंग शूज़ का भी बड़ा कलेक्शन है, जो लुइस फिलिप्स जैसे ब्रांड के होते हैं, इसीलिए उनकी कीमत भी 20 से 25,000 तक की होती है। अब अंत में बात कर लेते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास मर्सिडीज और फरारी 458 इटालिया जैसी लग्जीरियस कार्स कलेक्शन हैं। वही बात की जाए नागिन 5 में वीर चील का किरदार निभा रहे अभिनेता शरद मल्होत्रा के बारे में, तो इन्होंने इसी तरह से कई सीरियल्स में किरदार निभाकर तकरीबन 1 लाख रुपए चार्ज करके पूरे 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है, जिसमें इनका अंधेरी और लोखंड वाला आलिशान बंगला शामिल है। अब जाहिर सी बात है कि ये 12 करोड़ रुपए के इकलौते मालिक हैं, तो ये काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जीते होंगे। जिनमें शुरुआत करें इनके कपड़ों के कलेक्शन से, तो इनके पास पराडा, गुची और अरमानी जैसे कपड़ों का बड़ा कलेक्शन है। इसी के साथ ये वॉच और शूज़ कलेक्शन के भी बेहद शौकीन हैं, इसीलिए तो हमें इनके अलमीरा में जिमी चू और H&M जैसे शूज़ का कलेक्शन भी देखने को मिलता है, जिसकी कीमत भी 40,000 से लेकर 50,000 तक की होती है। अब अंत में बात कर लें इनकी आलिशान लाइफ को और भी ज़्यादा लग्जीरियस बनाने वाली कार कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें दोस्तों कि इनके पास व्हाइट कलर की स्कॉडा कार के साथ ह्यूंडई और मारुति जैसी गाड़ियाँ भी शामिल हैं। वेल दोस्तों, ये तो था दोनों की अमीरी के बीच में कंपैरिजन, जिसमें शरद मल्होत्रा ने बाजी मार ली है। उनके पास प्रॉपर्टी भी ज़्यादा है, वहीं वो काफ़ी लग्जीरियस लाइफस्टाइल भी जीते हैं। अब देखते हैं कि इनमें से कौन पॉपुलैरिटी के मामले में बाजी मारता है। शुरुआत करते हैं गुरमीत चौधरी से, तो आपको बता दें कि गुरमीत चौधरी के इंस्टा अकाउंट पर पूरे 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शरद मल्होत्रा फैन फॉलोइंग के मामले में गुरमीत चौधरी से काफ़ी पीछे रह गए हैं। जी हाँ, उनके इंस्टा अकाउंट पर केवल 73,000 फॉलोवर्स ही हैं। जहां पॉपुलैरिटी के मामले में गुरमीत चौधरी इनसे 2 कदम आगे निकले हैं, तो वहीं अमीरी के मामले में शरद मल्होत्रा ने मार ली है बाजी। वेल दोस्तों, आपके हिसाब से इन दोनों अभिनेताओं में से कौन है सबसे ज्यादा बेस्ट और परफेक्ट? आप हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने, पाने और देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।